stipend. Are there any questions? We are happy to take questions. But people were out of town and this, that and the other. But if there's anything that you feel you'd like to ask, please ask right away. This is a wonderful opportunity for you to be involved. And we feel that the media is, in a sense, leads or guides the public into thinking, and we'd appreciate your involvement in this particular situation. I would like to add that we got together and addressed a letter to the Prime Minister, basically saying in the letter what all of us have said here today. I sent out the letter to people and I got instantaneous response from so many across cultural fields. I stopped at 76 because we had to send the letter at some point. I'm sure you'll get many more. Oh, thousands. And I'm talking of people, not just people who are sitting here, but people like, I'll just mention a few names that occur to me. Someone like Ramchandra Guha, eminent historian. Vinod Mehta, the journalist. We've got a lot of journalists in some of this. I'll just give you a few more names. And lots of poets and writers, Anirudh Goyal, Anish Trivedi, Atul Dobia, Anju Dobia, the artist, Arvind Krishna Mehrotra, the poet, Ashwini Kumar, who's an academic with the Tata Institute of Social Sciences, Vittu Sehgal, environmentalist, Dilip Padkamkar, former editor of Times of India, Donnie Thakur, Farooq Chotia, the photographer, Geeta Mehra. Come here, Gali. It's all right. Gives us a little exercise. देखो नमस्कार. जैसे हमारे मंच पे जिन लोगों ने कहा है कि ये जो जगह है जहाँ जमशेद भाभा साहब रहा करते थे और उनकी हमेशा उनकी ये तमन्ना थी और आप एनसीपीए में जाइए तो उनका रिश्ता जो एनसीपीए के साथ जुड़ा हुआ बहुत सालों से अब ये मतलब एक कंटिन्यूटी एक कंटिन्यूशन में है कि ये जगह जो है वहां से जो पैसे मिलते हैं ऑक्शन में वो एनसीपीए के पास आना चाहिए. मतलब ये एक ऐसी चीज है जो मतलब नेचुरली उनकी जो ख्वाहिश थी वो एनसीपीए के अंदर. अभी सरकार कह रहे हैं कि हमें उनके भाई के नाम पे होमी भाभा साहब जो थे जो बहुत ही मशहूर और नामचीन और महान साइंटिस्ट रहे हमारे यहाँ जो बीएआरसी के फाउंडर थे वो तो आप सब जानते हैं. वो कहते हैं कि ये इस बंगले को जहां जमशेद भाभा साहब रहते थे इसके म्यूजियम बना दीजिए. बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो लोग हैं उन्होंने गवर्नमेंट को पटिशन किया है कि इस जगह में जहां जमशेद बाबा साहब रहते थे इसमें इसको म्यूजियम बनाना चाहिए. और जैसे बदमसी साहब ने बहुत ही अच्छी तरह ये बताया और जोसन साहब ने भी कि म्यूजियम एक अच्छी चीज होती है इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन एनसीपीए जहां लाइव परफॉर्मिंग आर्ट्स रोज आर्टिस्टों के लिए है कि 5 थिएटर है वहां पर जमशेद बाबा साहब का थिएटर भी है वहां पर तो जाहिर है कि ये जो मतलब फंड्स वहां से आते हैं ये आर्ट्स और एनसीपीए की तरफ जानी चाहिए ताकि हमारी कला हो और प्लेस होती है और कितने चीजें होती है एनसीपीए में
इनको चलाने के लिए और इनको बढ़ाने के लिए पूरे हमारे पूरे मतलब हिंदुस्तान में बहुत जरूरी है कि ये फंड्स वहां आए। और वैसे भी एक और छोटा सा पॉइंट है जो अनिल साहब ने कहा, वैसे भी आप अगर वो कह रहे हैं कि होमी भाभा साहब का म्यूजियम बनाना चाहिए, लेकिन ऐसी बहुत सी जगहें हैं और बीएआरसी भी है जहां होमी भाभा साहब की जो याद है और जो उनकी निशानी था साइंस में, भाभा एटॉमिक रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तो है। तो हमारा कहना है कि भैया ऐसी चीजें हैं होमी भाभा साहब के नाम पे, तो इसको जो जमशेद भाभा साहब ने कहा था अपने बिल में कि ये पैसे इसके जो है वो एनसीपी के पास जाने चाहिए, ये हमारा पॉइंट। दूसरा सवाल ये है कि शिवसेना बीजेपी के जो सांसद हैं वो ये बहुत मानते हैं कि वहां पर म्यूजियम भी हुआ है, तो आप लोग बातचीत से उसके पहले भी आपने अपना स्टैंड को कन्विंस किया है या आप करने वाले हैं बीजेपी नहीं, इसमें शिवसेना और बीजेपी का कुछ नहीं, अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यह कहा नहीं है। अभी ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ लेटर्स लिखे गए राहुल शिवाली शिवसेना के सांसद है, उनका लेटर है कि वहां पे म्यूजियम होना चाहिए, और ऑफिस भी ये चाहता है कि म्यूजियम होना चाहिए। हो सकता है, वैसे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस में है उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी भेजी है। सो इसीलिए तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि ये जो आगे आप स्टैंड क्या ले रहे हैं, अगर जो सेंट्रल बीच में हम स्टैंड ये ले रहे हैं कि जो लीगैलिटी है अकॉर्डिंग टू द लीगल पोजीशन और द वेल ऑफ जमशेद भाभा, ये प्रॉपर्टी एनसीपीए को जानी चाहिए, बस सिंपल। और ये क्यों जानी चाहिए ये तो अभी हम यहाँ बैठ के आपको बता रहे हैं, ठीक है। Why do you think the government has all of a sudden become so interested in that fund? What is good, usually the only the government has not. I would like to add a good question. Good question. Excuse me, I would just like to add a No, there has not been yet, but we know that various people have written to the Prime Minister, and as this gentleman was saying, some political parties have also gone into the act. It started with some people from the Bhabha Atomic Research Center approaching the center. First, they tried to stop the auction happening, which the judge refused. Saying that what have you been doing till now? And this is a question I think that we have to ask ourselves. If Homi Bhabha died 48 years ago, why wasn't the museum created in all this time? As I think Joseph pointed out, alternative sites which were available and are available today, which are far more apt because they had something to do with his work. A sentimental attachment to a bungalow where Homi Bhabha spent a little time makes no sense. You know, I'm saying just apply your common sense. Does it make any sense at all? If someone is known for his work, like Homi Bhabha was, the place to commemorate his work, the place to have his museum is where he did his work. Anushakti. Right. And not a place where he lived for a little while. And I think this is a very important point. Plus, of course, if you're going to locations, the Victory Stall near Yacht Club, near Gateway of India, where there is space available, it is central. If they wanted a museum and they put up a museum there, it would have hundreds of visitors because it's right next to the Gateway of India. Even if the government to acquire the Jamshed Bhabha bungalow, who's going to go to Malabar Hill and then it gives road? There's no traffic there.